बेटा करें क्या, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि हम तुम्हें वो सब सुविधा दे सके, परंतु हाँ हम भगवान से जरूर प्रार्थना करेंगे। बच्चे ने अपनी छोटी छोटी बुद्धि से पूछा, माँ बात सही है, भगवान हमारी बात सुनेंगे? बोले हाँ बेटा, भगवान सबकी बात सुनते हैं, श्रद्धा से कहोगे तो सब सुनेंगे। एक काम करो, देखो हमारे कुलदेवी का मंदिर है ना, लो ये खीर लेकर जाओ और माता को भोग लगा के आओ, और जो तुम माता जी को कहोगे माता जी सब कुछ सुनेंगे। हाथ में खीर का कटोरा लेकर बच्चा गया अपनी कुलदेवी मंदिर के पास और जाकर माँ से कहा कि माँ मुझे बहुत विद्या देना, मुझे बहुत संपत्ति देना, मुझे ये देना, मुझे वो। ऐसे करते 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 माँ को अपने छोटे बाल भाव से वो माँ की स्तुति करने लगा, और माँ ने कहा था बेटा भोग लगा के आना, भोग लगा के आना, और कहा कि जब माँ भोजन कर ले बाद में लेके वापस आना। परंतु एक बार कहा, दो बार कहा, माँ आओ भोजन करो, माँ आओ भोजन करो, पर पत्थर से थोड़ी माँ आएगी। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार कहा, परंतु पत्थर से भगवान आए नहीं। और दौड़ता हुआ घर पे आया, बोले माँ भोग नहीं लगा रही है, माँ नहीं खा रही है। तो माँ ने हंसते हंसते कहा, बेटा और श्रद्धा से कहो, माँ क्यों नहीं आएगी, जरूर आएगी। दौड़ता हुआ मंदिर में गया, श्रद्धा से कहने लगा, और श्रद्धा करते करते उनके आंख से आंसू आने लगे, और जब बालक के आंख से आंसू आए तो मां प्रकट हुई। मां ने बच्चे के माथे पर हाथ घुमाया, कहा बेटा क्या चाहिए बताओ। बोले मुझे तो इतना सारा पैसा चाहिए, इतना सारा पैसा चाहिए, इतनी सारी संपत्ति चाहिए, इतने सारे खिलौने चाहिए। बोले ये सब चाहिए तो बेटा तुम्हें अष्टमहालक्ष्मी की साधना करनी पड़ेगी। बोले ये अष्टलक्ष्मी कौन होती है? बोले बेटा मेरा ही रूप है, मैं तो तुम्हारे वंश के कुलदेवी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे कुल की रक्षा करूंगी। परंतु एक काम करो, समुद्र के तट पर जाओ और आठ पत्थर ले लो, और आठ पत्थर को आठ महालक्ष्मी का रूप मानो, और शुक्रवार अष्ट महालक्ष्मी की पूजा करो, माँ की परम कृपा होगी। कुल देवी ने मंत्र दे दिया, बच्चा समुद्र के तट पर गया, आठ पत्थर लिए, पत्थर को हल्दी से सुंदर हल्दी उस पे लगा दी। सज्जनों ध्यान देना, हल्दी भी महालक्ष्मी का रूप है। पूजा में हल्दी प्रयोग करना, क्योंकि हल्दी लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। हम बालाजी का अभिषेक करते हैं तो इतनी सारी हल्दी का गट्ठा बनाकर महालक्ष्मी जो हृदय में है उसके ऊपर लगाते हैं, क्योंकि महालक्ष्मी को हल्दी अत्यंत प्रिय है। हमारे साउथ इंडियन के पंडित जी तो कहते हैं कि जिनके हाथ में हल्दी लगती है उनके घर में लक्ष्मी ज्यादा आती है, बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए आज भी दक्षिण भारत में परंपरा है, आप देखना कभी कोई भी स्त्री जो साउथ इंडिया से होगी वो जरा सा हल्दी लेगी अपने माथे पे लगाएगी, अब जो बचा वो क्या करेगी, तो अपने हाथ में लेके ऐसे घिस देगी, हाथ पीला करेगी, और जिसका हाथ पीला होता है उस पर लक्ष्मी की कृपा होती है। ये परंपरा बचपन से सिखाई गई बच्चों को, तो हल्दी ये लक्ष्मी का प्रयोग होता है। इसलिए जिस हाथ से हल्दी लेते हैं वो हाथ को धोते नहीं, बोलो जय श्री कृष्ण। बोले हाथ धोया तो लक्ष्मी चली जाती है, इसलिए वो हाथ को ऐसे करके अपने आप को सूख जाता है, लक्ष्मी होती है हल्दी में। तो हर पत्थर पर हल्दी लगा दिया, पीला कर दिया, उसके ऊपर कुमकुम से सुंदर तिलक लगा दिया, और तिलक लगा के अष्ट लक्ष्मी के रूप में उनको पूजना प्रारंभ किया। माँ भगवती महालक्ष्मी की कृपा हुई, और एक दिन ऐसा हुआ कि महालक्ष्मी अष्ट लक्ष्मी के रूप में माँ भगवती प्रसन्न हुई और उन बालक को आशीर्वाद दी। बालक को कहा कि मांगो बेटा क्या चाहिए। बालक ने अष्ट महालक्ष्मी के रूप का दर्शन किया और कहा कि माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस केवल आपकी कृपा चाहिए। अब तक मैंने साधना की लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, पर जब माँ आप स्वयं मिल गए तो अब मुझे लक्ष्मी की कोई अपेक्षा नहीं है, बस आपकी कृपा दृष्टि चाहिए। आपने जैसे मेरे पर कृपा की प्रभु, हे माँ ऐसे पूरे देश पर, पूरे विश्व पर कृपा करिए। कहा ठीक है बेटा, आज तुमने जिस पत्थरों पर महालक्ष्मी की पूजा की है, इसी जगह समय आने पर अष्ट भव्य महालक्ष्मी के मंदिर का निर्माण होगा, और जो भी दुखी व्यक्ति, त्रासित व्यक्ति, दुहित व्यक्ति यदि इस मंदिर में आकर अष्ट महालक्ष्मी की परिक्रमा करेगा, पूजन समर्पित करेगा, उसके जीवन के दुख दरिद्रता को मैं दूर कर दूंगी। इसी तरह से समय जाते दक्षिण भारत में चेन्नई में अष्ट महालक्ष्मी का भव्य एवं दिव्य मंदिर बना। समय बीतते बीतते नया नया मंदिर बनता गया, आज भी बहुत भव्य महा अष्ट लक्ष्मी का वहां पर मंदिर है। यदि समय मिले, अनुकूलता हो, तो आप लोग उस मंदिर का दर्शन
जरूर करना। बोलिए अष्ट महालक्ष्मी मात की। तो ये था महालक्ष्मी के दो मंदिर जो बड़े ही सुंदर मंदिर है, एक मंदिर कोल्हापुर और दूसरा चेन्नई का अष्ट महालक्ष्मी मंदिर। और उसके बाद में एक और भी लक्ष्मी का मंदिर है, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, और वो है हमारे उत्तर भारत में, और वो है वैष्णो देवी का मंदिर। वैष्णो देवी का मंदिर भी महालक्ष्मी का मंदिर है। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, ये तीन रूप में माँ वहां विद्यमान है। तो बीच का जो पत्थर है वो महालक्ष्मी है, इसलिए समय उसकी कथा तो आपको सबको पता है। पिछली बार भी आपने देवी भागवत की कथा में वैष्णव देवी की कथा सुनी थी। और एक मंदिर महालक्ष्मी का माना गया है, और वो है काशी में। काशी में भी एक दिव्य मंदिर है। ध्यान देना सज्जनों, ये काशी के महालक्ष्मी की कथा है। लक्ष्मी कुंड के किनारे एक महालक्ष्मी का मंदिर है। एक बार ऐसा हुआ, नारद जी घूमते घूमते कैलाश पर्वत पर गए, बोलो जय श्री कृष्ण, और कहा गया है नारद जी जहां जाते वहां कोई गड़बड़ होती है। नारद जी वहां पर गए, पार्वती माता ने कहा आइए आइए नारद जी, बड़े दिन हो गए, भोजन के लिए थाली तैयार है। नारद जी भोजन करने बैठे, आंख में आंसू आने लगे, नारद जी रोने लगे। पार्वती ने पूछा क्या हुआ नारद जी, क्यों रो रहे हो, सब ठीक है ना? बोले सब ठीक है, तुम्हारा जीवन देख के दया आ रही है। बोले क्यों? बोले किस बाप की लड़की और कहां फंस गई। बोले नहीं बताइए क्या हुआ, अरे तुम्हारे पिता का घर कितना बड़ा था, कितना बड़ा महल, और ऐसी जगह पर रही हो, गुफा का भी ठिकाना नहीं है, पति का भी ठिकाना नहीं, वो भी जंगल में तप करते रहते हैं, और तुम अकेली। पार्वती ने कहा कि सबसे बड़ा सुख संतोष होता है, मैं जहां हूं वहां ठीक हूं। नहीं ठीक है, बात सही है, परंतु अपना एक घर होना चाहिए। देखो पार्वती बुरा मत मानना, भगवान नारायण ने कितना किया महालक्ष्मी के लिए, इतना बड़ा वैकुंठ बनाया, आप वैकुंठ का दर्शन करो, इतना अद्भुत वैकुंठ है। ब्रह्मलोक बनाया ब्रह्मा जी ने अपनी धर्मपत्नी के लिए, और आपके पति ससुराल को छोड़ के कहीं रहते नहीं, बोलो जय श्री कृष्ण, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि सबसे ज्यादा सुख ससुराल में मिलता है पुरुषों को। सब पुरुष कैसा भी हो, ससुराल में इतना मान मिलता है, इतना सम्मान मिलता है। इसलिए एक श्लोक भी है, संपूर्ण संसार में सारम ससुर मंदिरम, दुनिया का सबसे ज्यादा सार केवल ससुराल में है, बोलो जय श्री कृष्ण। केवल पुरुष के लिए, स्त्रियों के लिए नहीं, उनके लिए तो कोई सार नहीं है, केवल भार है। हरिश्चेते हरिश्चेते हिमा संभुश्चेते हिमालय हरिश्चेते महोदधौ, सार केवल ससुराल में है। इसलिए तो भगवान नारायण समुद्र में ही सोए रहते हैं, और समुद्र लक्ष्मी जी का घर है, बोलो जय श्री कृष्ण, इसलिए नारायण का ससुराल है। और भगवान शंभु शेते हिमालय, शंभु भगवान भोलेनाथ इसलिए हिमालय में रहते हैं, क्योंकि वो उनके हिमालय पिताजी का घर है, वहां रहना चाहिए, आनंद है। कोई ससुराल में जाते जितना पुत्री को प्रेम नहीं करते, इतना जमाई को करते हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। इसीलिए बात तो सही है, परंतु अपना ही घर होना चाहिए। नारद जी ने बहुत समझाया पार्वती को, भोजन किया, हाथ धोया और गए। सायंकाल महादेव जी घर आए, कहा पार्वती सब ठीक है प्रभु, क्या ठीक है, जीवन में तो अब कोई रस ही नहीं है। बोले क्या हुआ देवी, कोई आया था? बोले नारद जी आया था, आंखें खोल के गया मेरी, जीवन की वास्तविकता अब पता चली। बोले क्या कहा नारद जी ने, इतना सुंदर ज्ञान दिया। बोले धन्यो गृहस्थाश्रम, कहा कि सबसे उत्तम गृहस्थाश्रम है पति पत्नी के साथ रहना, अच्छे बच्चे, अच्छा अच्छा भोजन। बोले हाँ देवी सही बात है, पर ये सब तो हमारे जीवन में है। बोले क्या है खाक, श्लोक का पहला शब्द ही नहीं है। बोले श्लोक का शुरुआत होती है सानंदम सदनम सुताष्ट सुधिया कांता प्रियालापिनी। बोले सबसे पहला लिखा है सानंदम सदनम, मतलब आनंद आए ऐसा एक घर होना चाहिए। सुताश्च सुधिया, अच्छी बुद्धि वाले पुत्र होने चाहिए। और अब जो है वो कई भाग्यशाली को ही मिलता है, सबको नहीं मिलता है,
और वहां लिखा कांता प्रियाला पिनी, अच्छे बोलने वाली, मंद बोलने वाली, धीरा बोलने वाली पत्नी एक घर में होनी चाहिए, जो बहुत कम लोगों को मिलता है। प्रभु आपके पास सब कुछ है, अच्छे पुत्र है कार्तिकेय एवं गणेश, और पत्नी तो मैं बहुत धीरे धीरे सब ठीक है, और मिष्टान्न पानम गृहे, रोज नया नया भोजन, ठीक है प्रभु आप अमेरिका नहीं गए, नहीं तो आपको फ्रोजन ही खाना पड़ता। मैं अमेरिका में एक बात मुझे यहाँ के पता चली, जब हम भोजन करने जाते हैं ना, तो भोजन करते करते जिन्होंने भोजन बनाया, मतलब स्त्री ने, वो ज्यादा हरीश भी आग्रह नहीं करते। जो भोजन बना दिया, आज हमारा हरीश भी ने बहुत मदद की, भोजनशाला में आए थे, लाइव टेलीकास्ट भी किया हमारे भोजन का, और फेस टू फेसबुक पे अपलोड कर दिया। तो हरीश भाई, तो भोजन करते समय जिसने भोजन बनाया घर वाले ने, वो कभी आग्रह नहीं करते, उनके घर वाले बहुत आग्रह, पंडित जी खाना पेट भर के खाना। तो मुझे समझ में नहीं आया इतना आग्रह ये क्यों कर रहे हैं, बाद में पता चला पंडित जी आप नहीं खाएंगे तो कल मुझे ही खाना पड़ेगा, इससे अच्छा आप खाओ। बात तो सही है, सानंदम सदनम सुदाष्ट सुदियः कांता प्रियाला पिनी, परमात्मा माँ भगवती पार्वती भगवान से कह रही, भगवान नित्य नया भोजन, संतों का आदर, संतों का सत्कार, शास्त्र की चर्चा, अच्छे संस्कार सब अपने घर में है, परंतु अपना घर ही नहीं है, एक घर होना चाहिए, ऐसा घर जो बहुत अच्छा हो। भगवान ने कहा ठीक है, तो लोन के लिए कुछ करते हैं पेपर्स, यदि अप्रूव हो गई तो घर लेंगे। तो अच्छे बैंकर के पास भगवान मिलने के लिए गए, उस समय में सबसे अच्छा बैंकर था कुबेर, जिसके पास बहुत धन था। कुबेर को मिले, मैं संक्षिप्त में कहता हूँ, कुबेर जी ने हाँ बोल दिया, उस समय तो क्रेडिट चेक करना होता ही नहीं था ना, भगवान की क्रेडिट तो सबसे ज्यादा क्रेडिट, तो हाँ बोल दिया कि हाँ भगवान हम आपको, आपके लिए एक सुंदर घर बनाएंगे। और कुबेर ने विश्वकर्मा को बुलाया, इतना बड़ा घर बनाया साहब, उसकी आप कोई कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा घर बनाया, ऐसा घर बनाया। उस घर में लक्ष्मी को बिठा दिया, पार्वती ने कहा था कि यदि मुझे घर मिले तो उस घर में सब सुविधा चाहिए, सुख चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, और ये सब देने वाली केवल महालक्ष्मी है। ऐसा घर बनाया कि उसमें श्री मतलब लक्ष्मी को बिठा दिया, इसलिए उस घर का नाम भी हो गया श्रीलंका। बोलो जय श्री कृष्ण। इतना सुंदर भगवान का घर बनाया। गुरु प्रवेश करने के लिए भगवान महादेव और पार्वती गए, पूजा करने बैठे, रावण को बुलाया, सुंदर पूजा करवाई, दरवाजे पर गुरु प्रवेश करने की तैयारी, और भगवान महादेव ने पार्वती को कहा, पार्वती आज से ये घर तेरा। बोले पंडित जी को दक्षिणा दे दो पहले, तब पंडित जी फ्री और हम घर में जाएंगे। पंडित जी क्या चाहिए दक्षिणा में बताइए। और हंसते हुए रावण ने महादेव से कहा, प्रभु कुछ नहीं चाहिए, घर दे दो दक्षिणा में। बोलो जय श्री कृष्ण। अब महादेव है, कभी किसी को मना किया नहीं, तुरंत चाबी का झुमका लिया और रावण को दे दिया, जाइए रावण आज से ये श्रीलंका आपकी। और पूरी सोने की लक्ष्मी ऐश्वर्य से भरी हुई लंका रावण को मिल गई। भगवान जहां थे वहां वापस आ गए। थोड़े दिन बीते और थोड़े दिन के बाद फिर से वो बात याद आई, फिर से वो श्लोक याद आया, प्रभु सानंदम सुदनम सदाश्रदिया कांता प्रिया लापिनी, प्रभु ये घर होना चाहिए। महादेव ने कहा, देवी घर अब आप बनाओ, क्योंकि मेरे नाम से तो लेन देन नहीं है, मेरे नाम से एक घर लिया तो वो गया, अब घर वाले के नाम से शायद घर ले तो काम हो जाए। देवी एक काम करो, घर अब आपके नाम से लो। एक काम करो देवी, मैं मेरा त्रिशूल फेंक रहा हूं, जहां जाकर त्रिशूल अटक जाए वहां एक नवी नगरी का निर्माण करना, वो हमारा घर बनेगा। भगवान महादेव ने त्रिशूल फेंका और जहां जाके त्रिशूल अटका उसी जगह का नाम है काशी। और वहां देवी अन्न पार्वती गई, सुंदर भवन बनाया, सुंदर उसका एक कोट बनाया, उसका मतलब बाउंड्री बना दी, और सुंदर किला बना के उसके दरवाजे बनाए, दरवाजे पर काल भैरव को कोतवाल के रूप में बिठा दिया, अंदर गणपति को बिठाया, और किसी को पता न चले इस तरह से भगवती पार्वती ने गणपति को कहा कि जाओ जाकर लक्ष्मी को आमंत्रण देकर आओ। और अब गए हैं महागणपति लक्ष्मी को आमंत्रण देने के लिए। सज्जनों ध्यान देना,
बहुत एक गुप्त बात है शास्त्र की, जो थोड़ी सी गूढ़ भी है। गणपति का एक नाम है लक्ष्मी गणपति। दक्षिण भारत में कई ऐसे मंदिर है जहां लक्ष्मी गणपति का मंदिर है, जहां गणपति की गोद में लक्ष्मी बैठी हुई है। तो ये अष्ट सिद्धि और नवनिधि है जो गणपति अपने गोद में रखते हैं, जो उनके वहां खेलते हैं उनको लक्ष्मी दे देते हैं। तो महागणपति को कहा गया कि जाओ आप लक्ष्मी को आमंत्रण दो, और लक्ष्मी को आमंत्रण देने के लिए स्वयं महागणपति गए। एक अब आमंत्रण देने के लिए कहीं जाना नहीं था, उसी काशी नगर में एक पानी का कुंड था, वहां पर बैठे और ओम रीम नमः इस मंत्र का अनुष्ठान महागणपति ने शुरू किया। अनुष्ठान करते करते महालक्ष्मी प्रसन्न हुई, मांगो गणेश क्या चाहिए, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, रिद्धि सिद्धि दे दो, और रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, इस काशी नगर में रहने वाले को कभी धन की कमी ना हो, काशी में रहने वाला व्यक्ति कभी धन का भूखा ना हो। महालक्ष्मी ने कहा कि आप कहो तो काशी में रहने वाले सभी व्यक्ति को मैं धनवान बना दूं, जो भी व्यक्ति काशी आए वो सुख समृद्धि से भर जाए, ऐसा आशीर्वाद दे देता हूं। महागणपति ने कहा महालक्ष्मी ऐसी तो बिल्कुल कृपा मत करना।